नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य और सौंदर्य चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य और सौंदर्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिटकरी के फायदों के बारे में। फिटकरी को एलम के नाम से भी जाना जाता है। फिटकरी एक प्रकार का खनिज है जो प्राकृतिक रूप में पत्थर की शक्ल में पाया जाता है। इस पत्थर को एल्यूनाइट कहते हैं। यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है। यह लाल एवं सफेद दो तरह का होता है, परंतु अधिकांशतः सफेद फिटकरी को ही इस्तेमाल में लाया जाता है। फिटकरी में कई सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, तो फिर फिटकरी के गुण और उसके फायदों के बारे में जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। टॉन्सिल की समस्या होने पर एक गिलास गर्म पानी में चुटकी भर फिटकरी, चुटकी भर हल्दी चूर और एक चम्मच नमक डालकर गरारे करने से टॉन्सिल की समस्या में आराम मिलता है। यदि किसी को भी दमा की शिकायत है तो फिटकरी आपके लिए बहुत लाभकारी है। इसके महीन चूर्ण को शहद के साथ चाटने से दमा और खांसी की समस्या दूर हो जाती है। प्रतिदिन फिटकरी को गर्म पानी में घोलकर कुल्ला करने से दांतों के कीड़े तथा मुंह की बदबू दूर हो जाती है। फिटकरी को नहाने के पानी में घोलकर प्रयोग करने से त्वचा की खुजली और शरीर से बदबू आना बंद हो जाती है। फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल और एस्ट्रिजेंट तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग माउथ वॉश के तौर पर भी किया जा सकता है। यदि चोट या खरोच लगकर घाव हो गया हो और उससे खून बह रहा हो तो घाव को फिटकरी के पानी से धोने के बाद उस पर फिटकरी का चूर्ण बुरकने से खून बहना बंद हो जाता है। फिटकरी और काली मिर्च बराबर मात्रा में पीसकर दांतों की जड़ों में मलने से दांत दर्द में लाभ होता है। दस्त की समस्या होने पर एक से दो चुटकी भुनी हुई फिटकरी को गुलाब जल के साथ मिलाकर पीने से दस्त आना बंद हो जाता है। यूरिन इन्फेक्शन हो जाने पर फिटकरी का इस्तेमाल काफी फायदेमंद होता है। जिसे यूरिन इन्फेक्शन हो उसे फिटकरी के पानी से अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई करनी चाहिए। कुछ दिन ऐसा करने से इन्फेक्शन का खतरा दूर हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसीना आता हो तो नहाने के पानी में फिटकरी घोलकर नहाए, पसीना आना बंद हो जाएगा। आज इस वीडियो में आपने फिटकरी के अनेक गुणों और उसके औषधीय फायदों के बारे में जाना। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। हमारे नए नए स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारी वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इसी तरह हम नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।